तो आज की कहानी रतन नाम के एक लड़के की है जो कि मथुरा का रहने वाला है। रतन के पापा रमेश रेलवे हॉस्पिटल के स्टाफ हैं। उसका परिवार रेलवे के ही क्वार्टर में रहता है। ये बात तब की है जब रतन 11वीं कक्षा में था। एक रात जब रतन अपने दोनों दोस्तों बबलू और शानू के साथ घूमने निकलता है, तीनों अपनी अपनी साइकिल में घूम रहे थे। बहुत देर हो जाने पर रतन के पापा उसे फोन करके पूछते हैं, कहाँ हो तुम? इतनी रात तक कहाँ घूम रहे हो? जल्दी घर आओ। पापा, आज तो दीपू भाई का बर्थडे है, मुझे घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी। वो इतना कहकर रतन फोन कट कर देता है। तीनों दोस्त घूमते घूमते एक गांव की ओर जाने वाले रास्ते पर पहुंच जाते हैं। उस सड़क के दोनों किनारे घने पेड़ों से भरे हुए थे। दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी रतन की नजर गांव से आ रही रोशनी की तरफ गई, जिसे देखकर रतन को यह जानने की इच्छा हुई कि आखिर जंगल में चल क्या रहा है। तीनों दोस्तों ने अपनी अपनी साइकिल वहीं पास ही में लगा दी और फिर तीनों जंगल की तरफ जाने लगे। जंगल के अंदर तीनों ने देखा कि एक आदमी जिसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे आग के सामने बैठकर मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। उसे देखकर रतन ने कहा, ये इतनी रात को कौन सा हवन कर रहा है? लगता है कि ये कोई तांत्रिक है। फिर रतन ने अपने फोन से उसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। तभी बबलू का ध्यान उस तांत्रिक के पास रखी हुई नर खोपड़ी पर गया, जिसे देखते ही बबलू ने रतन से कहा, भाई चलो यहां से, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी तांत्रिक ने एक चाकू से अपने हाथ पर वार किया, जिससे उसकी हथेली से काफी सारा खून बहने लगा। उसकी हथेली से बहता हुआ खून उस नर खोपड़ी पर गिर रहा था। तभी बबलू का फोन बज उठा, जिसकी आवाज सुनते ही तांत्रिक ने अपनी आंखें खोली और उन तीनों को देख लिया। रतन उस तांत्रिक के काफी पास से उसका वीडियो बना रहा था, जिससे गुस्सा होकर तांत्रिक जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए, साथ ही उनके पैर कांपने लगे। उस तांत्रिक ने रतन का कॉलर पकड़ लिया और ऐसे गुस्से से देखा मानो कि जैसे अभी उसको जान से मार देगा। रतन ने उससे धक्का मारा और अपने दोस्तों के साथ वहां से साइकिल पर भागने लगा। तांत्रिक ने उनका पीछा करने की कोशिश की, पर वे उससे बचकर वहां से निकल गए। रतन ने रास्ते में ही अपने दोस्तों को ये बात बोल दी थी कि वो इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन रतन को इस बात का जरा सा भी अंदाजा तक नहीं था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। एक रात रतन जब कमरे में अकेला सो रहा था, तब उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई चल रहा है। जैसे ही वो आंख खोलकर देखता है तो कमरे में कोई भी नहीं था। फिर आधी रात में उसे कुछ डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। रतन आंखें खोलता है तो वो देखता है कुछ परछाइयां उसे घेरे हुए खड़ी होती हैं। इसके बाद वो डरावनी आवाजें और ज्यादा तेज हो जाती हैं। रतन इससे बहुत घबराकर चीखता है, जिसे सुनकर उसके माता पिता दोनों उसके कमरे में आ जाते हैं और लाइट ऑन करते हैं। रतन अपने माता पिता को उन डरावनी परछाइयों के बारे में बताता है, लेकिन उसके पापा को लगा कि उसने कोई बुरा सपना देखा होगा। ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। अगली रात जब रतन सो रहा था, तभी उसे किसी ने मारा। फिर किसी ने उसके पैर खींचकर उसे बेड से नीचे गिरा दिया, उसके बालों को पकड़कर खींचा। उन परछाइयों ने रतन का बुरा हाल कर दिया था। रतन के माता पिता उसके इस बर्ताव का कारण उसे स्कूल ना जाने के लिए बहाने समझ लेते हैं। वो परछाइयां रोज रतन को परेशान किया करती थीं। रतन अगर सो भी जाता तो उसे इतने भयंकर सपने आते कि किसी की भी रूह कांप जाए। उन सपनों में उसे जंगल और खंडहर नजर आते थे, जिसमें केवल लटकी हुई लाशें ही हैं। तो कभी
डरावनी हंसी वाली चुड़ैल नजर आती। उन सपनों में उसे एक डरावना भूत मारने के लिए उसके पास आता हुआ दिखता है। ऐसा काफी समय तक चलता ही रहा। रतन का चेहरा अब सफेद सा दिखने लगा, मानो कि जैसे उसके शरीर में खून की कमी आ गई हो। वो पहले से काफी कमजोर हो चुका था। उसके पापा उसे डॉक्टर के पास भी दिखाते हैं, पर रतन पर किसी भी दवाई का कोई भी असर नहीं हो रहा था। एक रात की बात है, जब रतन आधी रात को बिना किसी को कुछ बताए घर से बाहर कहीं निकल जाता है। वो सड़क पर चल रहा था कि उसे हॉस्पिटल स्टाफ का एक आदमी देख लेता है। अरे, ये तो रमेश जी का बेटा है, ये इतनी रात को यहाँ कैसे भटक रहा है? जैसे ही वो रतन को रोकता है, रतन उसे देखकर चौंक जाता है। रतन को मालूम ही नहीं था कि वो वहां कैसे पहुंच गया है। फिर वो आदमी उससे घर पहुंचा देता है। अगले दिन ये खबर सुनते ही बबलू और शानू रतन से मिलने उसके घर आते हैं और रतन के पिता को उस डरावनी रात हुई सभी घटना के बारे में सब कुछ बता देते हैं। रमेश जी अब सब समझ जाते हैं कि उनके बेटे के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो स्वाभाविक नहीं है, ये सब नकारात्मक शक्तियों के कारण हो रहा है। रमेश जी रतन को लेकर अपने पुरोहित जी के पास महादेव के मंदिर में ले जाते हैं और उन्हें पूरा किस्सा सुनाते हैं, जिसे सुनकर पुरोहित जी कहते हैं, आप बिल्कुल सही समय पर रतन को यहाँ ले आए हैं। पर मेरे रतन को हुआ क्या है पुरोहित जी? उस रात वो तांत्रिक गुप्त साधना कर रहा था, जिसे रतन और उसके दोस्तों ने देख लिया था, लेकिन रतन ने तांत्रिक पर हाथ उठा दिया था, जिससे गुस्से में आकर उस तांत्रिक ने रतन के पीछे कुछ बुरी प्रेत आत्मा को लगा दिया था। वो रतन से बदला लेना चाहता है। उस तांत्रिक ने उन बुरी आत्माओं के जरिए रतन को मजबूर कर दिया, जिससे वो आधी रात बिना किसी को बताए घर से बाहर निकल गया था। अगर उस रात उस आदमी ने रतन को रोका नहीं होता तो वो उस तांत्रिक के पास वहीं पहुंच जाता जहां वो तांत्रिक चाहता था, और फिर वो उसे मार डालता। इसके बाद पुरोहित जी ने रतन के सर से उन प्रेत आत्माओं को हटाने के लिए पूजा की और उसकी कलाई पर अभिमंत्र धागा बांध दिया। पुरोहित जी ने रतन के पिता से कहा, अभी कुछ दिनों तक घर के अंदर बाहर हर जगह संध्या काल में धूनी जलाना, इससे नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाएंगी। ऐसा करने से रतन फिर से पहले की तरह स्वस्थ हो जाता है। अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता है और मस्ती करता है और उस काली डरावनी रात को भूल चुका होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल जरूर करें। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।